नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और समाचार क्रांति 24 पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शफीदों के एक किसान के पास और मैं सीधा लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कल रात बारिश आई और लगभग अब 5 बज चुके हैं। किसान कल रात से ही फसल को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और किसान में से मैं बात करना चाहूंगा, ये देखिए कल रात से ही ये किसान जो है इस प्रकार से पानी अपने खेत से निकाल रहा है और इसके अलावा इनकी जो फसल खराब हुई है, ये देखिए इन्होंने मिर्च लगाई हुई थी और इसके अलावा सारे खेत की, ये देखिए किसान कल रात से ही इस प्रकार से परेशान है। जो कल रात को ओलावृष्टि हुई थी उससे गेहूं की फसल भी खराब हो चुकी है और जो किसान है उसके द्वारा यहाँ पर पंप लगा करके इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है। और सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के जो किसान हैं और इस तरीके से पानी निकाल रहा है और इनकी जो 2 किलो टमाटर की जो प्यों दिन उन्होंने लगाई हुई थी वो भी इनकी खराब हो चुकी है। और जो किसान हैं मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। देखिए इस प्रकार से यहां से पानी निकाल करके अपने दूसरे खेत में निकाल रहा है ये और 2 जगह इन्होंने मोटर लगाई हुई है। इसके अलावा अगर मैं दिखाना चाहूंगा गेहूं की फसल वो भी इनकी खराब हो चुकी है और पाइप लगा करके किसान के द्वारा पानी निकाला जा रहा है अपनी फसल को बचाने के लिए, अपनी सब्जी को बचाने के लिए। और इस तरीके से पानी जो है दूसरे खेत में गेहूं की फसल वो भी खराब हो चुकी है। कोशिश करूंगा मैं किसान से जानने की कि इन्होंने क्या कुछ सब्जियां जो लगाई हुई थी कितनी कीमत की सब्जियां जो है खराब हो चुकी है और जो अब गेहूं की फसल में पानी निकाल रहा है, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, जो आप नजदीक देख रहे हैं ये देखिए ये बांस आपको नजर आ रहे होंगे और यहां पर टमाटरों की प्योद इन्होंने लगाई हुई थी वो भी खराब हो चुकी है क्योंकि पानी ज्यादा भर चुका है और ओलावृष्टि के कारण भी इनकी काफी फसल खराब हुई है। और जो किसान है उनसे जानूंगा क्या कुछ पूरा जो कल रात से, ये देखिए इस तरीके से कल रात से ही ये पानी निकालने लगे हुए हैं और इन्होंने क्या कुछ सब्जियां यहाँ पर लगाई। उधर नुकसान की अगर बात करें, देखिए जो इनकी फसल सब्जियां हैं, बंद गोभी है, इसके अलावा मैंने उधर भी दिखाया आपको पत्ता गोभी ब्रोकली और इसके अलावा मिर्च धनिया जो इन्होंने लगाया हुआ था उसके अंदर पानी जाने की वजह से वो खराब हो चुकी है। और मैं जानने का प्रयास करूंगा उन्हीं से, भाई साहब क्या कुछ कल रात पहले किसान मरा हुआ है और अब बारिश की वजह से आपकी कितनी फसल खराब हुई है और टमाटरों की प्योद जो आपने लगाई हुई थी कितनी खराब हुई है। सर नमस्कार जी। सर ये तो कल बारिश बहुत ज्यादा हो गई हमारे सफीदों में, तो उसके कारण अब हमारी फसल बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन हमारी ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो भी है सब्जियां हैं तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। अब 5 बज चुके हैं शाम के और सुबह से मैं 5 बजे से लग रहा हूँ। और तो कितनी मोटरें लगाई हुई हैं आपने? सर मैंने 2 मोटर लगाई हुई है, 2 मोटर है 3 फेज के दोनों, ये चल रही है आपके सामने। और उधर मेरा 1.5 एकड़ टमाटर है वो भी, टमाटर की तो उस जो ओला पड़ा है टमाटर से तो उस पर भी बेकार हो गया। और उधर 3.5 एकड़ गेहूं है मेरे, वे भी बिल्कुल बिछ चुके हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या चाहिए, जो किसान इस प्रकार से अगर बर्बाद होता रहा तो कैसे क्या जीवन लीला अपनी किस प्रकार से वो जीवन बसर कर पाएंगे? देखिए ऐसे तो नहीं हो पाएगा, किसान तो बिल्कुल मर जाएगा। अब हमें किसी से पैसे उधार लेके, लोन लेके, जैसे भी है आप फसल तैयार करी और अब ये नुकसान होगा तो इसमें तो कब तक सहन करेगा जी किसान? सफीदों की अगर बात करें तो कितना लगभग बात करें किसानों का तो कितना नुकसान होगा? लगभग बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान। इसके अलावा आपने यहाँ पर जो खेत के अंदर लगाई हुई थी धनिया, हाँ धनिया है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है और बीटरूट है और इसमें
पालक पत्ती है, मिर्च है दो तीन प्रकार की, और कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी भी है। तो नुकसान की अगर बात करें तो सरकार कुछ इसका हर्जाना देगी? देखो अभी जो सरकार दे दे तो किसान बच जाएगा, नहीं तो किसान तो मर जाएगा। सफेदों की अगर बात करें, कितने किसानों का जो नुकसान है सफेदों के एरिया में, कल रात को किस वक्त बारिश आई थी, और ओले की अगर बात करें, ओला कितना बड़ा था जिसकी वजह से आपकी फसल का नुकसान हुआ? लगभग जी 20 से 25 एमएम, 20 से 25 एमएम जी। और गेहूँ की फसल आपकी कितनी थी? गेहूँ फसल तो देखो सारी मेरी है, नहीं तो मेरी तो कुछ भी को नहीं। अब जो मेरे सफेदों की है तो सारी मेरी है, अब सफेदों की सारी पड़ गई तो मेरी पड़ गई। देखो मैं अपनी तो नहीं कह सकूँ, मेरी अपनी पड़ी है, सबकी नहीं पड़ी, लेकिन सबकी पड़ी है, सबकी पड़ी। हाँ, नुकसान सबके हुआ। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सरकार अगर जो कुछ किसान की हेल्प कर दे तो किसान जी जाएगा, नहीं तो किसान तो मर चुका, गया किसान। और फिर से मैं वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कल शाम से दो मोटरें लगा करके वो किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कल रात से ही जिस वक्त बारिश हुई थी। मैंने सब्जी बचाने के लिए अपने गेहूँ खराब करने लग रहा हूँ, मैं अपनी सब्जी बचाने के लिए अपने गेहूँ में पानी निकाल रहा हूँ, मैं अपने गेहूँ खराब करने लग रहा हूँ, लेकिन गेहूँ खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब्जी बचाए मेरी, सब्जी बचे, सब्जी कॉस्टली है। हाँ जी बिल्कुल। कीमत की अगर बात करें, कीमत तो इसके मतलब अब मैं जो कीमत लगा चुका हूँ मैं उसकी बात कह सकता हूँ, लेकिन आगे क्या बिके क्या नहीं बिके उसका कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी, अब जो इसका है लगभग 2.25 रुपया पेड़ लेके आए थे मिर्च का। कितने पेड़ लेके आए थे आप? मैं लेके आया था जी 26,000। 26,000? हाँ जी। तो अब लाखों में गया आपका नुकसान? देखो चलो जो भी होता है, देखो मैं प्राकृतिक आए तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो सरकार को भी इसके तरफ देखना चाहिए, देखना चाहिए, जो ऑर्गेनिक को बढ़ा देंगे तो कुछ देखना पड़ेगा, और नहीं ऑर्गेनिक को बढ़ा देंगे तो हम जैसे भी हम पड़े हैं तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। और मैं फिर से वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पाइप लगा करके अपनी गेहूं की फसल को बर्बाद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सब्जियां बच जाएं। काफी कॉस्टली इन्होंने यहां पर बिजाई की, उसके बाद जो है ये देखिए, और इस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, और ये पानी गेहूं की फसल में अब जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध, जो भी किसान भाई हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जिस प्रकार एक किसान आज असहाय महसूस कर रहा है, उनका नुकसान जो हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पानी, ये पानी मोटर के जरिए कल शाम से ही इन्होंने दो मोटरें लगा दी थी, उसके बाद और मोटर के जरिए फसल को बचाया जा रहा है ताकि पानी इसमें से निकल सके, और इस तरीके से पूरी जो फसल है इनकी, चाहे टमाटर की बात करूं, चाहे मिर्च की बात करूं, चाहे धनिया की बात करूं, वो इससे खराब हो जाएगा। अब कल शाम से और अब तक कितना पानी निकल पाया है, अभी और भी पानी इसमें बाकी रहता है। ये देखिए जिस प्रकार के किसान असहाय महसूस कर रहे हैं, सरकार को भी इसमें चाहिए कि किसानों को कुछ अनुदान राशि जरूर दे। कुछ आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बने रहें सिटी न्यूज के साथ, समाचार क्रांति 24 साथ, और एक नई खबर लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।